ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अनुभव एवं बुद्धि के संयोग पर बल दिया, पर बल दिया, अनुभव एवं बुद्धि के संयोग पर बल दिया, यानी कि ये बाइबल या परंपरा आदि को ज्ञान का स्रोत नहीं मानते, बाइबल आदि को ज्ञान का मूल स्रोत नहीं मानते। ज्ञान का मूल स्रोत नहीं मानते और यह मानते हैं कि उनमें कही गई बातों की भी जांच हो सकती है, और यह मानते हैं कि उनमें कही गई बातों की भी जांच हो सकती है, यह मानते हैं कि उनमें कही गई बातों की भी जांच हो सकती है, उनमें कही गई बातों की भी जांच हो सकती है। अब यहां पर हम रुक जाते हैं और क्या करेंगे कि जितनी बातें हमने यहां लिखा है उसको हम समझेंगे। क्या बेटा पानी टपक रहा है? किस चीज से? एसी का पानी है क्या? ज्यादा गिर रहा है? बुलाऊं क्या किसी को? मतलब किसी को सपोर्ट स्टाफ को बुलाऊं तो बोलो। ठीक ठीक। अब शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। जितना लिखे हैं उसको समझ लेते हैं, जितना लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला भाई, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, क्योंकि मैं तभी बोल पाऊंगा जबकि मुझे इस बात का यकीन होगा कि आप लोग शांत होकर सुनने के लिए बैठे हैं। अब हर 5 मिनट में 10 मिनट में पानी पीने के लिए जाना और मतलब नेचुरल कॉल में जाना, ठीक है वो तो नेचुरल कॉल है, नेचुरल कॉल है, लेकिन पानी वाले का तो मैं आपको फिर भी समाधान बोलूंगा कि हैव अ वाटर बोतल और जरूरत पड़े तो 2 बूंद जिंदगी की लेते चलो, तुरंत तुरंत दौड़ के। मैं तो देखता हूँ क्या कि मतलब कई दफा एक लड़का या कोई एक लड़की बाहर जाता है या जाती है और उसको सब लोग बताते रहते हैं मेरा भी बोतल लेके जाओ, मेरा भी बोतल लेके जाओ, उधर से लड़का या लड़की लौटता रहता है पानी वाला। तो इसकी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हमने सबसे पहले आप लोग को क्या लिखाया कि 18वीं शताब्दी के मध्य में हम बेसिकली आधुनिक विश्व में जा रहे हैं। हमारा सिलेबस जिसको आपने सुना विश्व इतिहास, वो विश्व इतिहास क्या है? तो बेसिकली आधुनिक विश्व का इतिहास है। हम आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में जब हम जा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि 18वीं शताब्दी का जो काल है ना, वो मध्य काल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण का काल है। संक्रमण समझते हो ना? एक काल से निकलकर दूसरे काल में प्रवेश करने का काल है। तो जब तुम कहोगे कि एक काल से निकल के हम दूसरे काल में गए तो क्या क्या हुआ था उस दौर में?
तो हमने कहा कि इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, ये सब बदल रहा है। तो मध्यकाल के दौर में कैसा था, आधुनिक काल के दौर में कैसा हो गया। जैसे ही हमने मध्यकाल की तस्वीर देख लिया, उसके सामने आधुनिक काल की तस्वीर रख दिया, दोनों में तुलना कर दिया, मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश हमारा साफ हो गया कि नहीं, बोलो बच्चों। अब क्या करेंगे हम कि जितनी बातें हमने लिखा है हम उसको थोड़ा समझ भी लेंगे। समझने वाला जो क्रम है वो हम बौद्धिक परिवर्तन से ही शुरू करेंगे। बौद्धिक परिवर्तन वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे। जैसे चाय पे ऐसे नजर लगाता है ये लोग कि जैसे लगता है कि हमको अगले दिन तो चाय न मिले, इस तरह का भाव से बोलता है। ऐसा है कि तुम लोग परीक्षा पास करके दिखाओ, एक एक घर में आके चाय पी के जाऊंगा, एक एक घर में आऊंगा चाय पीने के लिए, लेकिन पहले परीक्षा पास करके दिखाओ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बौद्धिक परिवर्तन से। बौद्धिक परिवर्तन वाले पॉइंट को देखो बेटा, यहां क्या देख रहे हो तुम कि मध्यकाल तक हमारी सोच क्या थी। मध्यकाल तक हमारी सोच इस प्रकार से थी कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो जो बाइबल कहे, जो रीतियां कहे, जो रिवाज कहे, जो परंपराएं कहें, जो पादरी लोग कहें, उसी आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी, हमारा समाज चलता था, हमारी राजनीति चलती थी। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है का निर्णय हम इसी आधार पर करते थे। जब धर्म ग्रंथ में कही गई बात के आधार पर तुम सही गलत का निर्णय करते हो, रीतियों और रिवाजों के आधार पर सही गलत का निर्णय करते हो, परंपराओं में कही गई बातों के आधार पर तुम सही गलत का निर्णय करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम मध्यकालीन सामाजिक सोच वाले हो, मध्यकालीन बौद्धिक सोच वाले हो, तुम्हारी समझ मध्यकाल की है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज मैं सुबह में एक रील सुना जो उत्तराखंड वाले हमारे शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती जी, उनको किसी ने पूछा कोई सवाल, सवाल पूछा कि क्या हम अपने गोत्र में विवाह कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा शास्त्र में इसका विरोध है, शास्त्रों में इसे गलत कहा गया है, इसलिए नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि गोत्र के अंदर विवाह करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्वामी जी ने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा। अभी हम जजमेंट नहीं करेंगे, हम समझेंगे। हम क्या समझेंगे कि स्वामी जी ने जो कहा वह शास्त्र आधारित है, वह तर्क पर, अनुभव पर आधारित नहीं है। उन्होंने किस आधार पर उसे गलत कहा? उन्होंने कहा क्योंकि शास्त्र में इसे गलत कहा गया है। यदि तुम सही का निर्णय शास्त्र के आधार पर करते हो और गलत का निर्णय शास्त्र के आधार पर करते हो, तो तुम अपनी सोच में, अपनी समझ में मध्यकालीन हो। आधुनिकता यह कहती है कि तुम खुद तय करो कि सही क्या है, गलत क्या है। शास्त्रों में कही गई बातें भी गलत हो सकती है, तुम उनमें जो बातें कही गई है उसकी भी जांच करो, उसकी परीक्षा करो। बाइबल में जो बात कही गई है वो गलत हो सकती है। आधुनिकता यह नहीं कहती कि बाइबल में जो बात कही गई है वो सब गलत है,
आधुनिकता सिर्फ इतना कहती है कि बाइबल में कही गई बात भी गलत हो सकती है। आधुनिकता कहती है कि किसी किताब में कही गई बात को भगवान की कही गई बात मान के आंख मूंद कर मान लेना ठीक नहीं है। भगवान के नाम पर किताबों में लिखी गई बात को तुमसे मनवाने की जो कोशिश की जाती है, यदि तुम उसको आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हो तो तुम मध्यकालीन हो, और यदि तुम अपने अनुभव और अपनी बुद्धि के आधार पर सही गलत की खोज करके उसके मुताबिक जीने का रास्ता खोजते हो तो तुम आधुनिक हो। आधुनिकता ये नहीं कहती है कि तुम बाइबल की सारी बातों को खारिज कर दो, लेकिन बाइबल की भी जांच की जा सकती है, आधुनिकता ये कहती है। आधुनिकता ये नहीं कहती है कि तुम्हारे पास में हर विषय का बहुत प्रकांड ज्ञान होना चाहिए। आधुनिकता सिर्फ यह कहती है कि तुम अपने अनुभव और अपने तर्क के आधार पर सही गलत का निर्णय करो। बहुत पढ़े लिखे हो ये जरूरी नहीं है। हजारों किताब पढ़ने वाले लोग भी परंपरा की पोथी पकड़ के रहते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग भी अपने अनुभव और अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर सही गलत का निर्णय कर लेते हैं। तो हजारों किताब पढ़ के भी पोथी के पाबंद लोग, पोथी से बंधे हुए लोग आधुनिक नहीं है, और कम पढ़े लिखे लोग भी यदि वह अपने अनुभव और अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर सही गलत निर्णय करते हैं तो आधुनिक हैं। तो क्या आपको परंपरावादी लोग मध्यकालिक होते हैं और अपने अनुभव और बुद्धि के आधार पर सही गलत निर्णय करने वाले लोग आधुनिक होते हैं कि समझ हो गई? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? अब अगला मुद्दा, अभी कोई नए पे नहीं जाएंगे, अभी उसी में है। अगला पॉइंट यह है कि बाइबल ने लोगों को यह बोला कि मनुष्य आदम की संतान है। बाइबल के मुताबिक जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? कहते हैं कि एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे, और स्वर्ग में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उसमें नियम ये बना हुआ है कि तुमको खाना नहीं है, भूख तो लगती नहीं है तो खाना नहीं है, तो पेड़ तोड़ना नहीं है, पौधे का फल तोड़ना नहीं है, नियम ये बना हुआ था, लेकिन एडम ने तोड़ लिया, और जब तोड़ लिया खाया तो उसने स्वर्ग को गंदा कर दिया। अब फिर उसको निकाल दिया गया स्वर्ग से, और वही इस संसार में आकर मानव जाति को जन्म दिया है। हम आदम की संतान हैं। तो आदम की संतान के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही होगी जो आदम के साथ में हुई थी, सही गलत का ज्ञान है नहीं, और करता है अपने मन की, और अपने मन की करेगा तो वैसा ही करेगा जैसे आदम ने किया था, यानी अनर्थ करेगा, गलत करेगा, बुरा करेगा। और यदि उसको बुरा करने से रोकना है तो क्या करना चाहिए? तो हमने तो बाइबल दे दिया है, और तुमको यदि बुरा करने से बचना है तो क्या करना चाहिए? बाइबल की बात मानकर चलो। ईश्वर ने तुमको बुरा से बचाने के लिए बाइबल दे दिया, और तुमको बुरा से बचना है तो फिर बाइबल की उंगली पकड़ कर चलो। अपने मन से सही गलत का निर्णय ना करो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम सही का और गलत का निर्णय कर लोगे। सही और गलत का निर्णय करना है तो बाइबल के मुताबिक करो, सही गलत का निर्णय करना है तो रीतियों रिवाजों में, परंपराओं में जो बातें कही गई है उसके मुताबिक करो। मोटे तौर पर एक लाइन में कहूं तो धर्म के आधार पर अपना जीवन जियो। और यदि तुम अपने धर्म के मुताबिक जीवन नहीं जियोगे तो तुम गलत करोगे। आधुनिकता क्या कहती है? आधुनिकता कहती है कि तुम बाइबल में कही गई इस बात को न मानो कि तुम तुच्छ प्राणी हो,
ये मत मानो कि तुम सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हो। अरे मानव, तुम तो अद्भुत प्राणी है। आधुनिकता की अभिव्यक्ति होती है जिन विचारकों की बातों से, उनमें से मैं सब पर नाम नहीं लेता हूं, आपके नोट्स में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास में बोल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। एक मिरांडोला नाम का साहित्यकार है, शेक्सपियर है, एक पेट्रार्क है, इन सब ने मोटे तौर पर एक जैसी बातें कही। ओ मैन, यू आर अ वंडर। हे मनुष्य, तुम तो अद्भुत हो। अब एक तरफ कह रहा है कि तुच्छ प्राणी, दूसरी तरफ कहा अद्भुत मानव। तो मध्यकाल और आधुनिकता का अंतर समझे। मध्यकाल आपको तुच्छ प्राणी कहता है और आधुनिकता आपको अद्भुत प्राणी कहता है। तुच्छ प्राणी हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हो, और अद्भुत मानव हो इसका मतलब तुम कर सकते हो। अब तुम यदि तुच्छ प्राणी हो और सही गलत का निर्णय खुद नहीं कर सकते हो तो परंपरा के मुताबिक चलो। जो व्यवस्था बना दी गई है वो व्यवस्था तुम्हारा शोषण कर रही है तो शोषण सहो, वो व्यवस्था गलत है तो गलत को ही मानो, वो व्यवस्था तुमको खुद ही गलत लग रही है तो भी तुम उसको मानो, क्योंकि तुमको यह कह दिया गया है कि तुम थोड़े तय कर सकते हो सही क्या है गलत क्या है। और आधुनिकता कहती है कि तुमको लगा कि गलत है, बोला हाँ तो गलत हो सकता है, जांच करो। और तुम कंफर्म हो कि तुमने जांच किया, जांच करने के बाद भी तुमको लगता है कि गलत ही है, बोला हाँ बदल डालो। बोला कैसे बदले, वो तो बहुत शक्तिशाली है, बोला लड़ डालो, लड़ो, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। लड़ते रहो, लड़ते लड़ते बदलाव तो हो ही जाएगा, लड़ते लड़ते बदलाव तो हो ही जाएगा। यदि तुम परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहोगे, पीछे वाले लोग आपस में बातचीत करना बंद करें। मैं क्लास में जब पढ़ता था कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पीछे बैठता था, और पीछे बैठ के नॉन सीरियस बातों की आजादी लेने में अपना ही नुकसान होता है, समझ गए? क्योंकि जब आप लोग एक लाइन बोलकर बहुत कोई हास्य की स्थिति पैदा करते हैं तो उस हास्य की स्थिति से आपका 5 मिनट का टाइम खराब होता है, क्योंकि कोई एक गहरी बात आपके दिमाग से निकल जाएगी फिर पकड़ने में आपको 5 मिनट लग जाएगा। तो क्लास में बैठे हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, सीरियस रहा करिए। आपके लिए हंसने का मौका तभी आएगा जबकि टॉपिक रुक जाए, समझ गए? बाकी सीरियस रहा करिए। तो मैंने आपको ये बोला कि, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम इस उम्र तक बाईपास से गुजर के नहीं आए हैं, आपके उम्र में हम भी रहे थे, तो मतलब उम्र का बाईपास होता नहीं है। मतलब यदि मैं 40 का बनूंगा तो 39 के बाद ही बनूंगा, और 45 का बनूंगा 44 के बाद ही बनूंगा, तो इसलिए आगे बढ़िए। तो क्या कहा आधुनिकता ने कि तुमको लग रहा है कि गलत है तो गलत हो सकता है, जांच करो, जांच किया फिर भी लगता है गलत है तो विरोध करो, विरोध करते रहो, एक दिन बदल जाएगा वो। तो आधुनिकता आपको ये कहती है कि मनुष्य तुम अद्भुत हो, तुम परिवर्तन करो, परिवर्तन के रास्ते हो सकता है तुम्हारी भलाई हो, समझ गए आप लोग? अब तुम इसमें लिखे हुए शब्दों के मुताबिक चल के देखो कि मध्यकाल की जितनी विचारधाराएं थी वो सब धर्म परंपरा रीति रिवाज पर आधारित थी, और मनुष्य से ये उम्मीद की जाती थी कि तुम बस आंख मूंद के उनका पालन करो, अनुकरण करो, ठीक है? तुम आदम की संतान हो, अतः तुम में गलत करने की प्रवृत्तियां होंगी ही होंगी। यदि तुम गलत करने से बचना चाहते हो तो बाइबल के रास्ते पर चलो। जब हम आधुनिकता की ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं
कि कोई मिरांडोला आता है, कोई शेक्सपियर आता है, कोई पेट्रार्क आता है, वो सब कहता है कि मनुष्य तुम खोज करने की संभावनाओं से संपन्न हो, मनुष्य तुम अद्भुत हो, तुम नई खोज कर सकते हो, तुम नए सत्य की खोज कर सकते हो, ठीक है। अतः तुम अपनी समझ के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान खोजो। विद्यमान व्यवस्था से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, अपने विवेकानुसार जरूरत पड़े तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पे नए विचार विकसित करो, नई व्यवस्था विकसित करो। तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में आना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश में आना चाहिए, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इनलाइटेनमेंट, कम इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज। इनलाइटेनमेंट, कम इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज। तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में आना चाहिए। तब सवाल ये उठता है कि ज्ञान का प्रकाश आखिर मिलेगा कैसे। बोला ज्ञान की खोज करो, ज्ञान की खोज करो, डिस्कवर करो। अब ज्ञान की खोज जब करने लगते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। अब तुम यदि मध्यकाल वाले से पूछोगे तो कहेगा बाइबल। जैसे हमारे स्वामी जी ने कह दिया धर्मशास्त्र, जैसे मुस्लिम कह देगा शरीयत। तो यह हुआ मध्यकाल का तरीका, कोई शरीयत पर आधारित होगा, कोई बाइबल पर आधारित होगा, कोई धर्मशास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित होगा। लेकिन आधुनिकता क्या कह रही है? तुम्हारा अपना अनुभव और तुम्हारी अपनी बुद्धि, इनके संयोग पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति करो। अपने अनुभव और अपनी बुद्धि के आधार पर ज्ञान की खोज करो, उसी ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाओ, नई व्यवस्था बनाओ। जरूरत पड़े तो समाज की पुरानी व्यवस्था बदल दो, राजनीति की पुरानी व्यवस्था बदल दो, अर्थ की पुरानी व्यवस्था बदल दो, समाज की पुरानी व्यवस्था बदल दो, पूरी पूरी व्यवस्था बदल दो। यदि तुम्हारी समझ कहती है कि परिवर्तन जरूरी है तो परिवर्तन की कोशिश करो। परंपरा से पूछ कर सही और गलत का निर्णय मत करो, रीतियों से, रिवाजों से पूछकर सही गलत का निर्णय मत करो, बाइबल के आधार पर सही गलत का निर्णय मत करो। आधुनिकता यही कहती है। क्या आपको आधुनिकता समझ में आ गई? आपने लिख तो ऑलरेडी रखा है, तो अब हम इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर चलें। तो अब देखो, दूसरे पक्ष में मैंने यहां पहले लिखवाया था आपको इकोनॉमी, आधुनिकता आर्थिक स्तर पर कैसे आती है। तो इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। पहले हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, इसका मतलब है कि किसी भी देश का जो टोटल इकोनॉमी होता है, जिसको आप जीडीपी कहते हो, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन था? एग्रीकल्चर। समझ गए? उसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन था? एग्रीकल्चर। और फिर दूसरी बात है कि सरकारों को जो टैक्स मिलता था, वो सबसे बड़ा स्रोत उसका क्या था? एग्रीकल्चर। लोगों को रोजगार मिलता था, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या था? एग्रीकल्चर। और जब हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे थे तो क्या हमने देखा? एग्रीकल्चर भी बना रहा, लेकिन एग्रीकल्चर का वो डोमिनेंट पोजिशन नहीं रहा। अब देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का शेयर घट गया और इंडस्ट्री और ट्रेड आदि का शेयर बढ़ गया, जिसको आज के इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में आप कहते हो तो कहते हैं अर्थव्यवस्था में कुल तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि आदि आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और अन्य प्रकार के कार्य आते हैं, टर्शरी में व्यापार और अन्य प्रकार के सेवा क्षेत्र आते हैं,
तो हमने क्या देखा कि प्राचीन काल और मध्य काल में इकोनॉमी का आधार हुआ करता था एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से, जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स वही, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत वही। और मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जब हम मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं, इकोनॉमी का सोर्स हो गया इंडस्ट्री और ट्रेड, माने मोटे तो बस सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलने लगा इन्हीं दोनों सेक्टरों से, और रोजगार भी लोगों को मिलने लगा इन्हीं दोनों सेक्टरों से। इकोनॉमी बदल गया कि नहीं? तो मध्यकाल के इकोनॉमी से आधुनिक काल के इकोनॉमी का अंतर समझ में आ गया। और तब फिर देखो सामाजिक जीवन कैसा था। हाँ बेटा बंद कर दूं। इधर कभी बंद कर दूं, चलने दूं? ठीक। इधर वाले लोग बेसिकली ठंडे मुल्क के लगते हैं कि गर्म मुल्क लगते हैं। गर्म मुल्क के लोग हैं, इनको थोड़ी सी ठंडी होती है तो इनको ठंडी लगने लगती है। इधर वाले लोग पता नहीं कौन से मुल्क का है, इनको हमेशा एकदम कोल्ड चाहिए। क्या बोले? चलो चलो ठीक ठीक ठीक। अब सोसाइटी में चल के देखो बच्चों, समाज में क्या कहानी होगी कि समाज को यदि तुम देखोगे कि एग्रीकल्चर पर आधारित समाज कैसा होगा। एग्रीकल्चर पर जब तुम्हारा समाज आधारित होगा तो तुम्हारे समाज में सबसे संपन्न तबका कौन होगा? जो भूस्वामी होगा, है कि नहीं? सबसे संपन्न वही होगा ना, लैंडलॉर्ड। और उसके बाद जो सबसे संपन्न तबका लैंडलॉर्ड का है तो समाज में सबसे ज्यादा दर्जा किसका होगा, सामाजिक रूप से ज्यादा सम्मानित कौन होगा? लैंडलॉर्ड। और यही लोग फिर राजनीति में, प्रशासन में भी बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, तो वही हो गए राजकीय वर्ग, वही हो गए आर्थिक रूप से सबल वर्ग, और वही हो गए सामाजिक रूप से प्रबल वर्ग। तो भूस्वामी मध्यकाल में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सभी स्तर पे सबसे मजबूत वर्ग हुआ करते थे। तो सोसाइटी में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर यदि खोजोगे तो मिलेगा लैंडलॉर्ड का। कोई दिक्कत? और दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर कौन मिलेगा? परंपरावादी समाज था, धर्म से चलता था। तो जो बाइबल की व्याख्या करने वाले हैं वो पादरी। तो समाज में दो तबका सबसे प्रभावशाली था, या तो लैंडलॉर्ड या तो पादरी। अब देखो ये जो लैंडलॉर्ड का क्लास है उनके लिए एक शब्द आता है कुलीन। कुलीन शब्द याद रखना, कुलीन का मतलब होता है ऊंचे कुल खानदान वाले। ऊंचे कुल खानदान वाले मैंने जमींदारों के वर्ग के लोग और जो लोग राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उनको कुलीन कहते हैं। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। तो तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। चलो तो हम ये देखे कि सोसाइटी में मध्यकाल के दौरान कौन ज्यादा प्रबल वर्ग था, कुलीन और पादरी। और दूसरी बात है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो समाज के ज्यादातर लोग कहां रहते हैं? गांव में। तो ग्रामीण होगा। अब तुम अगली एक बात देखोगे कि कुलीन और पादरी ज्यादा शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। इन्होंने अपने लिए नियम बनवा लिया। नियम इन्होंने अपने लिए क्या बनवा लिया कि इनको कुछ विशेष अधिकार होंगे। विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है कि इनको कर देने से छूट मिलेगी, सरकार की नियुक्तियां जब होगी तो इनको वरीयता मिलेगी, इनको दंड में छूट की प्राप्ति होगी। यहां तक कि यदि कोई सभा लगाई गई है तो आगे के सीट पर कौन बैठेंगे, तो पहले बैठेंगे पादरी, उसके बाद वाले सीट बैठेंगे कुलीन,
और सामान्य आदमी कहे, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सब कहां बैठेगा? पीछे। सामान्य लोग बैठेंगे पीछे, चाहे तुम औद्योगिक व्यक्ति हो, व्यापारिक व्यक्ति हो, आगे बैठेंगे पहले लाइन में पादरी, दूसरी लाइन में कुलीन। इसी को हम विशेषाधिकार कहते हैं। विशेषाधिकार माने विशेष अधिकार उनको जो समाज में प्रबल है। इसके ठीक उल्टा हमारे देश में आज के डेट में क्या है? आरक्षण। आरक्षण उन लोगों को दिया गया संरक्षण है जो कमजोर है। कमजोर को दिया गया संरक्षण आरक्षण, और ताकतवर को दिया गया सहयोग, या ताकतवर को दिया गया विशेष अधिकार विशेषाधिकार है। समझ गए आप लोग? विशेषाधिकार दिया गया किनको? पादरियों को और कुलीनों को, क्योंकि ये प्रबल वर्ग के लोग थे। इन्होंने अपने भाव का इस्तेमाल करते हुए अपने अनुकूल कानून बनवा लिया। राजा इन दोनों के सहयोग पर निर्भर करता था, तो राजा इनके मुताबिक कानून बना दिया। क्या आपको विशेषाधिकार की समझ हो गई? अब फिर क्या है कि यदि हम इसके उलट चले जाएं, आधुनिक काल में तो क्या हो रहा है? गांव के जगह पर नगरीय क्रांति आ रही है। आज के डेट में तो दुनिया की कुल आबादी को मिलाकर देखोगे तो हम नगरीयकरण में इस हद तक जा चुके हैं कि 50% से ज्यादा लोग अब नगरों में रहते हैं पूरे विश्व में, जिसमें हमारा देश भी शामिल है कि 36% ही अभी हम हैं, और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। यदि हमारा देश 50% ऊपर चला जाए तो दुनिया बहुत आगे निकल जाए। दुनिया 50% का मार्जिन तो क्रॉस कर चुकी है आज से तकरीबन 12 साल पहले। आज से तकरीबन 12 साल पहले दुनिया 50% से ज्यादा नगरीयकरण की ओर मुड़ चुकी है। जिस साल आबादी का 50% नगरीयकृत हो गई थी, उसी साल यूपीएससी ने एसए में नगरीकरण पर क्वेश्चन पूछा था। एसए में नगरीकरण पर क्वेश्चन पूछा था, और उस समय एसए हुआ करता था 200 नंबर का। बात 2013 के पहले की है। तो एसए हुआ करता था 200 नंबर का, और मेरा एक स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश कैडर का आईएएस है, भूपेंद्र चौधरी, उसको नंबर आया था 160। 200 में 160 नंबर आया था एसए में। अब तुम्हारा आज के डेट में एसए है 250 का, और तुम अभी भी एसए की तैयारी करते हो तो 150 नंबर आएगा का कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो। जबकि मेरा यह कहना है कि तुमको उस एसए के पेपर में यदि तुम 60% नंबर सोचो कितना होगा? 60% सोचोगे तो 150 होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? तुम्हें 60% तो सोचना ही चाहिए किसी भी शर्त पर। 70% ला सकते हो। नंबर आता ही आता है। यूपीएससी वाले को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। नंबर देने के लिए वो अपने दिल को दरिया बना के बैठे हैं। तुम कहते हो नहीं, मैं डोभा में नहाऊंगा। उनके दरिया में जाके डूबो। कहते हैं ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। अपने उम्र के मुताबिक मेरी बात का मतलब मत समझना। समझ गए? अपने उम्र के मुताबिक मेरी बात का मतलब मत समझना। वो कहते हैं कि मेरे जुबा पर आए हुए, मेरी जुबा पे आए बिना ही मेरी दिल की बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए, ये दिल की मर्जी है, बाकी मेरी जान तुम्हारी मर्जी। तो कहने का मतलब समझो बच्चों। लेट मी बी सीरियस। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बार बार मुझे बोलना ना पड़े,
बार बार मुझे बोलना ना पड़े। कहते हैं ना कि जुबा पर मेरी बात ना आए, फिर भी मेरी मन की बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए, यही इस दिल की अर्जी है, बाकी मेरी जान तुम्हारी मर्जी है। तो तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नंबर आते हैं और मैं थ्योरी नहीं देता हूं, फैक्ट देता हूं। भूपेंद्र चौधरी 160 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। मैं तुमको फैक्ट दिया ना, तुम नंबर ले आओ। रंजन सिंह, यही मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाला लड़का, हिंदी मीडियम का लड़का, उस समय जबकि जीएस मात्र 600 नंबर का होता था और दो पेपर होता था, 300 नंबर का एक पेपर, 300 नंबर का दूसरा पेपर, उसको एक पेपर में 230 नंबर आया था, 300 नंबर में, एक पेपर में 230 नंबर आया था 300 नंबर में। यूपीएससी वाले नंबर देने के लिए तैयार है कि नहीं, हिंदी मीडियम यूपीएससी वाले नंबर देने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? तुम नंबर लाने की कोशिश करो बच्चों। अंतर क्या हुआ है सो बता देता हूं। 2013 के बाद का जो सिलेबस आया है वो सिलेबस पहले के सिलेबस की तुलना में ज्यादा गहरा है, समझ गए? 2013 के सिलेबस की तुलना में ये नया वाला सिलेबस ज्यादा डीप है। सिलेबस ज्यादा डीप हुआ, मास्टर ज्यादा हल्का हुआ, यूट्यूब सिलेबस डीप हुआ, मास्टर हल्का हुआ, नंबर हल्के हो गए। सिलेबस डीप हुआ और स्टूडेंट किताब पढ़ने के बजाय नोट्स पढ़ने लगा, गाइड पढ़ने लगा, रिजल्ट हल्का हो गया। तो सिलेबस डीप हुआ है, तुम गहराई में उतरना सीखो, वैचारिक चीजों को गहराई से पकड़ना सीखो, उनका उपयोग करके विभिन्न विषयों के प्रश्नों का उत्तर लिखना सीखो। याद होगा मैंने तुम लोग को जब कभी समाज पढ़ाया था तो समाज में मैं तुमको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, महिला की दशा में जो परिवर्तन आ रहा था, भूमंडलीकरण का क्या योगदान है। अब भूमंडलीकरण का योगदान पढ़ाने के क्रम में मैंने तुमको कल्चर से जोड़ा था कि नहीं, कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल डिटर्मिनिज्म किस प्रकार से महिला की अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। यदि हम फैक्ट मात्र के आधार पर तुमको बताएंगे तो नंबर नहीं आएगा। फैक्ट में तुम चार फैक्ट लिख दो, काम के बस, काम खत्म। मूल बात है कि तुमको क्या वो विचार समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया इस तरीके से घूम रही है कि अब पश्चिम से लेकर पूरब सब एक दूसरे की छाया में रोज आते हैं, एक दूसरे से प्रभावित रोज होते हैं, सैकड़ों साल की पुरानी परंपराएं टूट जाएंगी, क्योंकि पहले परंपराएं एक दूसरे से पृथकता में जी रही थी, अब हमारी परंपराओं के ऊपर तुम्हारी सभ्यता की रोशनी रोज पड़ती है। अब तुमको देखकर हम बदलेंगे, हमको देखकर तुम बदलोगे। जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, जो धर्म है, जो परंपराएं हैं, वो हमारे जीवन की पद्धति को तय करती हैं। और हम एक परंपरा के दायरे में कैद होकर जीवन जी रहे होते हैं और वो परंपराएं सैकड़ों वर्षों तक हमको गाइड कर रही हैं, सैकड़ों वर्षों तक। कहते हैं कि सभ्यता उस वट वृक्ष की तरह होती है जिसमें एक शाखा सदियों में लगती है। लेकिन अब क्या कहानी है, अब या तो हम विदेश चले जा रहे हैं या विदेशी हमारे पास आ जा रहे हैं, या हम दोनों अपने अपने घर में बैठे हुए टीवी के माध्यम से हम रोज मिल लेते हैं। अब टीवी के माध्यम से मिलने की जरूरत भी घट गई, अब मोबाइल के माध्यम से मिल लेते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि दुनिया हमारे घर तक पहुंच गई है, और जब दुनिया हमारे घरों तक पहुंचेगी तो हमारे खाने पीने की आदतें बदल जाएंगी, हमारे सोचने की शैली बदल जाएगी, रीतियों और रिवाजों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा, महिलाओं को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा, महिलाओं का खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और यह नजरिया बदल जाएगा कि यदि महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में योगदान करने लगी तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है,
आंकड़े से पहले ये कॉन्सेप्ट कि दुनिया एक दूसरे के संपर्क में आई है और अब हर हिस्सा दुनिया का दूसरे हिस्से को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो हिस्सा ज्यादा डेवलप्ड है, जिस हिस्से में महिलाएं बहुत अग्रिम पंक्ति में आ गई हैं, उन हिस्सों को जब हम देखते हैं तो हम उनको देखकर समझते हैं कि महिलाओं के बारे में जो हमारी सोच थी वो सोच गलत थी। हमने पहले अपनी सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में ही महिलाओं को देखा था तो हमको लगता था कि हमारी सोच सही है, लेकिन मेरा दायरा जैसे ही बढ़ा, हमने दूसरे समाज की महिलाओं को देखना शुरू किया, उनको हमने कमाल करते देखा तो हमको लगा महिलाएं कमाल भी कर सकती हैं। पहले हमने उनको काम करते देखा था सिर्फ घरों में, हमको लगता था कि महिलाएं घर में काम कर सकती हैं। इसको कहते हैं कल्चरल डिटरमिनिज्म। मैं अभी बहुत संक्षेप में बोला हूं, अभी मेरी बात जितनी गहरी है उसके तुलम बहुत गहराई में तुमको तब बताता हूं जब मैं कल्चरल डिटरमिनिज्म पढ़ाता हूं, उससे थोड़ी कम गहराई मैंने तब पढ़ाया था जब मैं समाज पढ़ाया था। आज तो मैंने सिर्फ तुमको एक हल्का सा एग्जाम्पल दिया कि चीजों को तुम यदि बढ़िया लिखोगे ना तो नंबर आएगा। मैंने बढ़िया में एक उदाहरण दिया कि देखो तुम लिख रहे हो समाज के ऊपर, तुम रोज रोज नए आंकड़े जमा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें छूट रही हैं, तुमसे विचारधाराएं छूट रही हैं तुमसे। तुम विचारधारा पकड़ो, उसके साथ में कुछ फैक्ट जोड़ दो, करंट वाला, दोनों को क्लब कर दो, देख लेना नंबर आएगा। समझ गए आप लोग? तो मैंने आपको ये बताया बच्चों कि हम आज के डेट में जिस दुनिया में जी रहे हैं उसकी 50% ज्यादा आबादी नगरीयकृत हो चुकी है, लेकिन आधुनिकीकरण की शुरुआत तो अमेरिका से और यूरोप से हुई थी। वहां तो 50% की आबादी नगरों में कब की चली गई थी, 19th century में ही। तो ग्रामीण जीवन से नगरीय क्रांति की ओर मुड़ गए थे, यह है आधुनिक युग। और भूस्वामी की तुलना में और पादरी वर्ग की तुलना में सामाजिक दर्जा किसका ज्यादा बड़ा हो गया? जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है, जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है उसके आधार पर सोसाइटी में वर्गीकरण तय हुआ। उच्च वर्ग मैंने ज्यादा अमीर, मुकेश अंबानी, शादी होगी बेटे की तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे, शंकराचार्य भी जाएंगे, विपक्षी नेता भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, उद्धव भी जाएंगे, और उद्धव के साथ वाले जो महाराष्ट्र वाले थे सिंधे वो भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे, और स्पोर्ट्स के लोग भी जाएंगे, सिनेमा के लोग भी जाएंगे, मतलब कौन नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। कुल मिलाकर देखो, डोंट बी पॉलिटिकल बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है, आज के डेट में देख लो तो दर्जा इकोनॉमी तय करता है, सोसाइटी में स्टेटस इकोनॉमी तय करने लगा। यूरोप में इसकी शुरुआत तो 18वीं शताब्दी में हो गई थी, 19वीं शताब्दी में तो स्थिति एकदम निर्धारक हो गई, निर्णायक हो गई। भूस्वामियों का सामाजिक दर्जा गिर गया क्योंकि अब वो सबसे अमीर नहीं बचे, सबसे ज्यादा अमीर वो हो गया जिसके पास इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री वाले की स्थिति तो इतनी स्ट्रांग हो गई कि भूस्वामियों की भूमि के बारे में मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मेरे बगल में एक बड़ा गांव है, उस गांव के एक आदमी बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके पास में 7-8 हजार एकड़ जमीन हुआ करती थी। तो 8 हजार एकड़ जमीन का मालिक आदमी उनके यहाँ एक मुंशी का काम करते थे, मुंशी समझते हो, बस उनका हिसाब किताब देखने वाले। उनके मुंशी का काम देखने वाले का जो लड़का है वो पढ़ने में बहुत होशियार निकले और वो चले गए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग करते हुए चले गए अमेरिका में। अमेरिका में जाकर उन्होंने फिर अपना इंडस्ट्री खोल लिया, इंडस्ट्री खोलते हुए अमेरिका के 100 धनी लोगों में से एक वो हो गए। अब अमेरिका के 100 धनी लोग का मतलब बहुत धनी होता है। आ गए गांव, अब गांव में फिर उस जमींदार साहब से मिलने चले गए, क्योंकि गांव के जाने माने लोग थे तो उनसे मिले। तो जमींदार साहब ने ताना दिया कि तो आपके बाबूजी हमारे यहां नौकरी करते थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी कुल जमीन कितने की है। उन्होंने कहा आपकी जमीन कुल कितने की है आप बोल दीजिए, मैं उस जमीन को अभी लिखवा लेता हूं अपने नाम पर और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे मेरी कंपनी के शेयर में कोई कमी नहीं आएगी।
मतलब मेरी कंपनी में जितना मेरा शेयर है, मुझे अपना शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बैंक में इतना पैसा रखा रहता है कि मैं आपकी सारी जमीन अभी लिखवा लूंगा। इंडस्ट्री में जब कामयाब होता है आदमी, तो सामने जमींदारों की हैसियत इतनी छोटी हो जाती। आपको मैं ये बता रहा हूं कि क्या परिवर्तन आया। उस आदमी ने अपने गांव में बोला कि हम 250 करोड़ रुपया देंगे, अभी हॉस्पिटल खोल दीजिए। 250 करोड़ रुपया दे दिया, हॉस्पिटल खुल गया। 250 करोड़ रुपया सामान्य बात नहीं है, गांव के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे। इंडस्ट्री आपको इतना सक्षम कर देता है, सर्विस सेक्टर में जाकर आप इतने कामयाब हो जाते हैं, वो एग्रीकल्चर के माध्यम से संभव नहीं था। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो भूस्वामी थे, जो अपने आप को सबल मानते थे आर्थिक रूप से, उनकी हैसियत बहुत छोटी हो गई इन औद्योगिक लोगों के सामने में, इन सेवा सेक्टर के लोगों के सामने में। क्या कोई टिकेगा बिल गेट्स के सामने में? क्या कोई टिकेगा बैरन बफेट के सामने में, ये कहते हुए कि मेरे पास 1,000 एकड़ जमीन है? समझ गए? तो भूस्वामियों का जो इकोनॉमिक स्टेटस था, अब इनके सामने छोटा हो गया, तो सोशल स्टेटस भी छोटा हो गया। और जब विचारधारा में परिवर्तन आ गया, जब तर्क और बुद्धि के आधार पर नई नई सोच की खोज होने लगी, तो पादरियों का महत्व भी कम हो गया, तो विशेष अधिकार भी खत्म करने की बात होने लगी, और यह बात होने लगी कि विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लाया जाए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ लाया जाए। तुम ये देखोगे कि आज के डेट में यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो तुमको कहीं पर विशेष अधिकार मिलेगा क्या? 18वीं शताब्दी के दौरान जाओ तो तुमको हर जगह विशेष अधिकार मिलेगा, हर जगह विशेष अधिकार मिलेगा। उस विशेष अधिकार का अंत किया गया है, उस अंत को ही हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तब राजनीति की ओर जाके देखो क्या कहानी है। राजनीति में निरंकुश प्रणाली थी, राजतंत्र की निरंकुश प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? राजतंत्र समझते हो? किंग का बेटा किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, यह है राजतंत्र की प्रणाली। उत्तराधिकार वंश के आधार पर तय होता है। निरंकुश का मतलब क्या होता है? कोई अंकुश नहीं हो, माने जो अपनी मर्जी से विधायिका का काम चलाए, अपनी मर्जी से कार्यपालिका का काम चलाए, जो अपनी मर्जी से न्यायपालिका का काम चलाए, उसी को हम स्वेच्छाचारी कह सकते हैं। अपनी इच्छा मुताबिक आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, उसी को कहते हैं निरअंकुश, माने जिस पे किसी का कोई अंकुश नहीं हो, जिस पे किसी की कोई पकड़ नहीं हो, मतलब जो मन में आए सो करे। राजतंत्र ऐसा हुआ करता था जो निरंकुश था। आज के डेट में सरकार हमारी होती है, सरकार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का अंकुश है कि नहीं? सरकार पर पार्लियामेंट का अंकुश है कि नहीं? जुडिशरी का अंकुश है कि नहीं? सबसे बढ़ के जनता का अंकुश है कि नहीं? 5 साल में दोबारा लौट के आओ वोट मांगने के लिए, डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना, अंकुश है कि नहीं? CAG का अंकुश है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन का अंकुश है कि नहीं? UPSC का भी अंकुश है कि नहीं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को IAS बना सकते हैं? नहीं बना सकते। UPSC जिसके नाम की अनुशंसा कर देगी उसके नाम की ही नियुक्ति होगी। कितने प्रकार के अंकुश हैं? संविधान का है, पार्लियामेंट का है, और कई प्रकार के कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनका है, जुडिशरी का है, इलेक्शन कमीशन का है, CAG का है, UPSC का है, सबसे बढ़ के जनता का है। इतने प्रकार के अंकुश हैं। और जब मैं कह रहा हूं राजतंत्र की निरंकुश व्यवस्था, इसका मतलब है कि राजा जो चाहे सो करे, राजा की मर्जी से कानून बनते हैं, राजा उस कानून के दायरे से खुद को आजाद रखता है, जो मन में आएगा सो करेगा, राजा सबसे प्रधान न्यायाधीश है। इसके लिए शब्द आता है सर्वसत्ता संपन्न। शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों शक्तियां जब किसी एक के हाथ में आ जाए तो सर्वसत्ता संपन्न, सारी सत्ता तुम्हारे पास में है, तुम इतने संपन्न हो। इसका मतलब है किसी का कोई अंकुश नहीं है तुम पर, किसी की कोई रोक नहीं है। इसका मतलब कि तुम अपनी मर्जी से शासन चलाते हो, इच्छा के मुताबिक चलाते हो, स्वेच्छाचारी हो। फ्रांस का एक राजा हुआ करता था लुई 14वां नाम से।
उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, मैंने जो कह दिया वो कानून है, उसी को नकल किया है बाहुबली फिल्म में। शिवगामी देवी नाम की एक कैरेक्टर है जो बार बार कहती है ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन का जो लाइन है राजा मौली ने लिया है लुई चौदहवां से, माई वर्ड इज द लॉ, मेरा शब्द ही कानून है, समझ गए आप लोग, मेरा शब्द ही कानून है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है बच्चों की, पहले शासन कैसा होता था, राजा की मर्जी से चलता था। उसके बाद एक दूसरी बात क्या देखोगे तुम, राजा की मर्जी से चलने वाला शासन, तो समझ गए ना। अब इसमें एक और बात देखोगे, राजा की मर्जी से चलने वाले शासन में एक तो तुमने देखा कि वह विधायिका अपने मन से चलाता है, कार्यपालिका अपने मन से चलाता है, न्यायपालिका अपने मन से चलाता है, स्वेच्छाचारी राजा का सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष यह हुआ, एक पक्ष यह हुआ कि अपनी मर्जी से विधायिका, अपनी मर्जी से कार्यपालिका, अपनी मर्जी से न्यायपालिका चलाता है। एक और पक्ष है इसका, वो क्या है, राजा के तलवार के बल पे यह तय होगा कि उस राजा के राज्य की सीमा क्या होगी, जितना बड़ा इलाका वो जीत सके वो सब इलाका उसके राज्य में, जितना बड़ा इलाका वो जीत सके वो सब इलाका उसके राज्य में। राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे होता था, राजा मजबूत तो साम्राज्य बना लिया, राजा मजबूत तो साम्राज्य बना लिया, ताकतवर है इस क्षेत्र का राजा, उसने इस क्षेत्र को भी जीत लिया, 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 यहां के लोगों का धर्म अलग, यहां के लोगों की जाति अलग, यहां के लोगों की भाषा अलग, यहां के लोगों की संस्कृति अलग, बोला है तो है, मैं मनमर्जी का शासन चलाऊंगा अपनी मर्जी से। अब तुम कल्पना करके देखो, बाबर रहता है कहां, उज्बेकिस्तान में, धर्म उसका अलग, भाषा उसकी अलग, जाति उसकी अलग, और जीत लिया भारत आके रूल किया, साम्राज्य बना लिया। क्या ये अपवाद का केस है, नहीं, दुनिया में मध्यकाल में ऐसा ही चलता था, दुनिया में मध्यकाल में ऐसा ही चलता था। तुम कल्पना करके देखो, तुम इसको हिंदू मुसलमान की तरह देखने लगे, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि बौरम बुद्धि है, तुम चीजों को समझ नहीं पाते हो गहराई से। एक बात बताओ, तुमने मौर्य साम्राज्य का नाम सुना है, अशोक नाम का एक राजा है, कलिंग पर हमला किया था, कलिंग पर हमला के बाद, कलिंग में जब उसने हमला किया था तो खूब खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, ये तुम जानते कैसे हो, तो जानते कैसे हो, तो अशोक ने खुद ही अपने अभिलेख में लिखवा दिया कि इतने लाख लोग मरे, इतने लाख लोग घायल हुए, इतने लाख लोग बंदी बना लिए गए, यानी इसमें कोई डाउट भी नहीं हो सकता, खुद अशोक ने लिखवाया है, समझ गए ना। कोई यदि कह दे कि अशोक के काल में होने वाले हिंसा को किसी ने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, तो यह भी बात नहीं कह सकते, अशोक ने खुद ही कहा है। अब अशोक राजा था पाटलिपुत्र का, हमला किया कलिंग पे, कलिंग की जनता ने बुलाया था उसको, कलिंग में कौन बुलाया था उसको, राजा बुलाया था, जनता बुलाई थी, भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रिय वर तुझे बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, क्यों गया था अशोक, ना धर्म की एकता के लिए गया था, ना जाति की एकता के लिए गया था, ना राष्ट्र की एकता के लिए गया था, गया था साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, और इसलिए गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि हम पावरफुल हम जीत सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों चला गया था कर्नाटक तक, वहां की जनता ने बुलाया था। हम सुनते हैं कि समुद्रगुप्त प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विजेता है, और भारतीय लोगों का जो राष्ट्रवादी गौरव है वो छाती फाड़ के निकलने लगता है, वाओ इतना बड़ा विजेता, हमारा इतिहास गौरवशाली। अरे भैया,
तुम एक बात बताओ, समुद्रगुप्त ने उस समय जितने राज्यों को जीता होगा उनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनता ने समुद्रगुप्त को बुलाया था, या कौन सा राज्य ऐसा है जिसके राजा ने समुद्रगुप्त को बुलाया था? यदि समुद्रगुप्त ने उनको जीता है तो जबरदस्ती जीता होगा ना, वो राष्ट्रीय एकता का मामला है क्या? समुद्रगुप्त क्या सरदार पटेल था? सरदार पटेल देश की एकता किए थे, राष्ट्रीय एकीकरण किए थे, महापुरुष हैं। समुद्रगुप्त तो राजा था, एक राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य पर हमला कर दिया, लोग मरे होंगे, संपत्तियां बर्बाद हुई होंगी, महिलाओं की इज्जत लूटी गई होगी, तमाम प्रकार से अन्याय किए गए होंगे, अत्याचार किए गए होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विजेता के एक दरबारी ने उसके बारे में इतिहास लिख दिया, और हमको उसी स्रोत को पढ़ के इतिहास लिखना है। और हम क्या पढ़ते हैं कि वो सूर्य के समान है, ईश्वरीय गुण है उसमें, और इसके आधार हम इतिहास लिखते हैं। हमने विजेता के रथ के चक्के के नीचे आकर जिनकी हड्डियां टूट गई थी उनकी टूटी हुई हड्डियों की कड़ाह तो पढ़ाई नहीं, हमने विजेता के दिग्विजय के पराक्रम के तमाम किस्से सुने, और हम उसको आज राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। यह बताओ कि समुद्रगुप्त को किसने बुलाया था? यदि बावर विदेशी है तो समुद्रगुप्त भी जिन जिन राज्यों पर हमला कर रहा था उन राज्यों के लिए विदेशी ही तो था। क्या उस समय भारत राष्ट्रवाद था? उसमें भारतीय राष्ट्रवाद नहीं था बच्चों। तो तुम इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखो, मत देखने लायक क्या एंगल है, देखने लायक एंगल बस ये है कि राजा के तलवार के बूते तय होता था राज्य की सीमा क्या होगी। राजा मजबूत तो साम्राज्य बन गया, और राजा कमजोर तो बिखर गया, तो फिर छोटे छोटे राज्य बन गए, उसको सामंती राज्य कहते थे। राजा मजबूत तो साम्राज्य, राजा कमजोर तो छोटे राज्य माने सामंती राज्य। संपूर्ण प्राचीन काल और मध्यकाल के दौरान हजारों साल तक यही चलता रहा। आधुनिकता आई तो क्या हुआ, आधुनिकता आई तो बदल गया सब कुछ। क्या बदला? लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र, बेसिक लोकतंत्र तो समझते ही होगे, अभी मैं तुमको लोकतंत्र समझाऊं इसकी जरूरत नहीं है। लोकतंत्र आ गया, और लोकतंत्र आने के बाद फिर क्या हुआ, लोकतंत्र आने के बाद क्या हुआ, राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? जब लोकतंत्र आया और लोग ने यह कहा कि हम तय करेंगे कि शासन की प्रणाली क्या होगी, तो इसको हमने क्या कहा, यह डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में लोगों के हाथ में संप्रभुता आती है, संप्रभुता समझते हैं, संप्रभुता माने राजनीतिक शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। जब लोगों के हाथ में संप्रभुता आई, निर्णय लेने की शक्ति आई, तो लोगों ने कहा नंबर एक, शासन की प्रणाली हम तय करेंगे, और नंबर दो क्या कहा कि राज्य की सीमा भी हम ही तय करेंगे, पहले राज्य की सीमा कौन तय करता था? राजा। अब राज्य की सीमा कौन तय करते हैं? प्रजा, जनता। जब जनता ने राज्य की सीमा तय करना शुरू किया तो यहीं से आया राष्ट्र राज्य, और जब राजा तय करता था तो बनता था साम्राज्य या सामंती राज्य, इस लाइन पे थोड़ा फोकस करो, गहरा पॉइंट है और आगे के लिए जरूरी पॉइंट है। जब राजा तय करते थे राज्य की सीमा तो क्या बनता था? साम्राज्य या सामंती राज्य। और जब जनता ने तय करना शुरू किया अपने राज्य की सीमा तो क्या बना? राष्ट्र राज्य। आगे चलकर तुम पढ़ोगे एक टॉपिक, राज्य की सीमाओं का निर्धारण, लिखवाया हो ना? ये देखो, राज्य की सीमाओं का निर्धारण,
राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर तभी जब तुम पढ़ोगे तो तुम क्या पढ़ोगे, सामंती राज्य जितने थे छोटे 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 राज्य मिलकर एक ही क्रम की ओर गए और बना लिए इटली जर्मनी, अनेक छोटे छोटे राज्य थे उनके एकीकरण से राज्य बन गया राष्ट्र राज्य, और बड़े बड़े साम्राज्य टुकड़ों में टूटे हैं तो बने हैं अनेक राष्ट्र राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य भी टूटे तो राष्ट्र राज्य बना, छोटे छोटे सामंती यूनिट भी मिल गए तो राष्ट्र राज्य बना। राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी जनता ने करना शुरू किया तो राष्ट्र राज्य बना, और शासन की प्रणाली भी तय किया तो लोकतंत्र बना। कुल मिलाकर यदि तुम देखो कि तुम्हारा सिलेबस किधर की ओर तुमको ले जाता है तो 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, उस आधुनिकता को आगे बढ़ाओगे तो अमेरिकी क्रांति पर होगे, फ्रांस की क्रांति पर होगे, औद्योगिक क्रांति पर होगे, राज्य की सीमाओं का निर्धारण पर होगे, इस तरीके से आगे के टॉपिक तुम्हारे आते जाएंगे। लास्ट लाइन आज के क्लास का, हमने अभी के क्लास में यह पढ़ा कि आधुनिकता आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और बौद्धिक परिवर्तन के रास्ते आई है। आधुनिकता जब इन परिवर्तनों के रास्ते आने की कोशिश करती है, तुम चाहते हो कि राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र ले आए, तुम चाहते हो कि समाज में विशेष अधिकारी व्यवस्था को खत्म करके समानता की व्यवस्था ले आए, क्या इतना आसान है? इतना आसान है? तुम परिवर्तन चाहोगे और जो ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है क्या वो तुमको परिवर्तन करने देंगे? परंपरावादी शक्तियां अपनी स्थिति को बना के रखना चाहती हैं और तुम परिवर्तन करना चाहते हो। परिवर्तन चाहने वाले उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और परंपरावादी शक्तियां उसे अपने अनुकूल बना के रखना चाहती हैं। यथा स्थिति में किसी का फायदा है और परिवर्तन में किसी का फायदा है, दोनों में टकराव होगा कि नहीं? यहीं से क्रांति पैदा होगी जिसके टॉपिक की ओर हम कल मुड़ेंगे। कल हमारा पहला टॉपिक होगा अमेरिकी क्रांति का। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।